हम हवा से सांस कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन हर सेल तक कैसे जाता है ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? मछलियों को गिल्स होता है ये तो हमें पता है, मगर वो मछलियाँ गिल्स यूज कैसे करती है? ये सवाल पूछा है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, कुछ मछली के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ मेंढक के बारे में। आइए देखते हैं सवालों के जवाब। हर मुट्ठी में है साइंस। पानी में रहने वाली मछली तो पानी में सांस लेने के लिए ही बनी है, उसकी सांस भी ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। मछली लगातार पानी पीती है, पानी में घुली ऑक्सीजन उसके गिल्स के ऊपर बहती रहती है। उसके गिल्स की तुलना हम अपने लंग्स या फेफड़ों से कर सकते हैं। गिल्स की बनावट ऐसी है कि वो पानी से ऑक्सीजन को निकालकर अंदर लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड पानी को गिल्स के रास्ते बाहर छोड़ देते हैं। यही है मछली के सांस लेने की प्रक्रिया। रहा सवाल मेंढक का, उसका जीवन शुरू होता है टैडपोल के रूप में। टैडपोल जो रहता है पानी में, टैडपोल के भी मछली की तरह गिल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मेंढक बनता है गिल्स गायब होते हैं और बन जाते हैं लंग्स। मतलब ये कि मेंढक पानी में सांस नहीं ले सकता, वो तो हमारी तरह ही हवा में सांस लेने के लिए बना है। हर मुट्ठी में है साइंस।